राहुल गांधी से मिलकर उनके घर से दिल्ली पुलिस अब लौट रही है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि यात्रा लंबी थी, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल को फिर नोटिस दिया है और बताया कि राहुल गांधी का बयान दर्ज किया जाएगा, हालांकि अभी इसका कोई वक्त तय नहीं है। आपको बता दें, आज सुबह करीब 10 बजे अचानक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची। इसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल थे। पुलिस राहुल गांधी के उनके एक बयान को लेकर जानकारी चाहती थी। यह बयान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 30 जनवरी को श्रीनगर में दिया था। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि उनके कई महिलाओं ने उनसे यौन उत्पीड़न की शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। आज पुलिस के पहुंचने के बाद कांग्रेस के बड़े नेता और तमाम कार्यकर्ता भड़क गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश समेत कुछ नेता उनके घर पहुंचे। कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घर में चले आई पुलिस बिना कोई कारण के। अगर कोई यात्रा करे और उसमें कोई फीडबैक मिल रहा है, वो देश को बता रहा है, देश के इंटरेस्ट के अंदर, देश के इंटरेस्ट के अंदर कोई बात बता रहा है, ऐसे ऐसे माहौल बना था, ये मुझे फीडबैक मिला, उसके बावजूद भी केस दर्ज किया, कोई बात नहीं, अधिकार है पुलिस का। जब राहुल गांधी जी ने कह दिया, नोटिस मेरे को मिल गया है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको, उसके बावजूद भी पुलिस का यहाँ आना, उनके घर जाना, घर के अंदर घुसना, ये याद दिलाता इंदिरा गांधी का जमाना। जब इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर इस प्रकार की हरकतें हुई थी तो उसका परिणाम क्या हुआ सबको मालूम है, सबको मालूम है क्या हुआ, मुंह की खानी पड़ी थी उन लोगों को। आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है, उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस जाओ, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस कह रहा था नोटिस, इनको माफ नहीं करेगा, इसलिए आना पड़ा, पुलिस कह रही है इनको माफ नहीं करेगा, पूरा देश इन हरकतों को देख रहा है, चाहे मोदी जी हो या चाहे अमित शाह जी हो, इनका अहम और घमंड जो है चकनाचूर होगा। देश में डेमोक्रेसी काम रहनी चाहिए, ये संकल्प पूरे देशवासियों का है। ये डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, ये फासिस्ट लोग हैं, चेहरा पहना हुआ लोकतंत्र का। आज जो हरकतें हो रही है, पत्रकार साहित्यकार लेकर सब जेलों बंद रहते हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशी पे इनका दबाव है, पूरा देश देख रहा है इनको। आज की हरकत तो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर है, देशवासियों को समझ जाना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है और देश को बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। सर, लगातार पार्लियामेंट में जिस तरीके से सुरक्षा देंगे, आगे की जांच की जा सकती है, जांच करने कौन मना करता है भाई। अगर मान लीजिए मैं यात्रा करता हूँ, मुझे कोई फीडबैक मिलता है सर, और मैं अगर उसको प्रेस को बताता हूँ, अगर मैं मीडिया को बताऊँ भाई मैं फला फला गांव में गया था, मुझे ऐसा फीडबैक मिला है, उसके आधार पर मेरे केस बन जाएगा, और मैं तैयार हूँ फिर भी मैं जवाब देने के लिए, तभी आप घर में घुस जाओ। ये कहाँ लिखा हुआ है ये तमाम, और क्या नतीजे हैं, जिस प्रकार मोदी जी उनकी गवर्नमेंट गिरती जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, अडानी जी को लेकर गिरती जा रही है, जवाब देते बनता नहीं है, और जब मुद्दा उठा रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्या विपक्ष को पूछने हक नहीं है क्या, कोई भी इश्यू बनता है, यूपीए गवर्नमेंट में क्या हुआ था, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया, लॉ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, ये डेमोक्रेसी थी। वो मना कर रहा है, वो मना नहीं कर रहे हैं, वो देने के लिए तैयार है, उसके बावजूद पुलिस क्यों घुसी घर के अंदर, पुलिस वाले भी बैठे हैं, अगर राहुल जी चाहें तो उनसे मिलकर उनको जवाब देके बावजूद, ये मैंने पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, मैं तो सुन के आया हूँ अभी यहाँ पर। सर, इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, सर क्या होगा कांग्रेस पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा इस घटना। मैं इनको और कुछ महिलाओं के बारे में बताता हूँ, बताते हैं, बताएं हमें क्या एक्शन लिया इन्होंने, हाथरस में क्या एक्शन लिया इन्होंने, कठुआ में क्या एक्शन लिया इन्होंने, जवाब दें इनका।
क्या इन्हें जानकारी नहीं है उन महिलाओं की? उनके ही बारे में तो बताएं पहले क्या एक्शन लिया इन्होंने। सरेआम यहाँ महिलाओं के साथ जो होता है उसमें तो कोई एक्शन लेते नहीं है। उस वक्त तो ये झंडा बरदार बन जाते हैं बलात्कारियों के। हमने नहीं देखा था कठुआ में इन्होंने क्या किया था? आज यहाँ राजनीति करने आ गए हैं। हम हमेशा नियमानुसार अपने काम करते हैं, करते रहेंगे। ये सरकार है जो नियमानुसार नहीं कर रही है। सार्वजनिक रूप से ऐसी जानकारी दी या एक बात बताई कि महिलाओं के साथ भारत जोड़ो आंदोलन के तहत छेड़छाड़ की। अब अगर किसी ने छेड़छाड़ की महिलाओं के साथ तो उस आरोपी के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात का संज्ञान लेके पुलिस उनसे जवाब पूछ रही है, सवाल पूछ रही है कि बताइए कौन है ताकि कुछ एक्शन हो। यही तो हम चाहते हैं कि समाज में जो लोग गलत काम करें उन पर कार्रवाई हो। लेकिन कांग्रेस उसका राजनीतिकरण क्यों कर रही है? अलग अलग बातें कर रहे हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या इससे प्रश्न नहीं उठेगा कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है उन्होंने जबरदस्ती ऐसा आरोप लगा दिया? या क्या ये बचाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया? हमें, हम सबका दायित्व है कि कोई व्यक्ति समाज में गलत काम करे तो हमें मिलकर पुलिस का सहयोग करके उस गलत आदमी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और इसी के तहत राहुल गांधी जी नेता हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, कानून के साथ तो सबको देना चाहिए ना। इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को अगर यौन उत्पीड़न की बात मालूम पड़ती है और वो पुलिस को जानकारी नहीं देते, बहुत बड़ा पाप है ये। उनको आगे बढ़कर ऐसे गुनाहगारों को कटघरे के पीछे पहुंचाना चाहिए था। इससे लगता है कि उनके भारतीय जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा नहीं है या बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करने पर भरोसा नहीं है। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, करीब 2.5 से 3 घंटे का इंतजार रहा, मुलाकात तो हुई, क्या बात हुई? देखिए बिल्कुल, दिल्ली पुलिस यहां पर राहुल गांधी के घर पर करीब सुबह 10:10 पर पहुंची थी और करीब 2 घंटे पुलिस ने इंतजार किया। और जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा हैं उनके मुताबिक राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में यह बयान दिया था कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं के साथ रेप हुआ, कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, ऐसा उन्होंने कुछ महिलाओं ने शिकायत की थी। तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस दिया था। पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी ने जब नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आज सुबह 10:10 पर राहुल गांधी घर पर जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं सागर प्रीत हुड्डा, वो खुद यहाँ पर पहुँचे। और उनका कहना ये था कि वो जानना चाह रहे हैं कि वो जो महिलाएं हैं जिनकी राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो महिलाएं कौन हैं, क्या उनमें कुछ महिलाएं दिल्ली की हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिल्ली से भी निकली है। तो इसका जवाब लेने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुँची थी और करीब 2 घंटे दिल्ली पुलिस की टीम ने राहुल गांधी से मिलने का इंतजार किया। करीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को अपने पास बुलाया और जो सागर प्रीत हुड्डा हैं उनके मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि उनकी यात्रा बहुत लंबी थी, ऐसे में जो पूरा विक्टिम का डेटा है वो कंपाइल करके वो दिल्ली पुलिस को देंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि उनकी जो यात्रा थी वो काफ़ी लंबी थी। तो दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि बहुत जल्दी ही वो राहुल गांधी का बयान दर्ज करेगी और फिर इस केस में आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी। तो दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी से बात करने के बाद यहाँ से चली गई है। वहीं कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो यहाँ पर आए थे उनको भी पुलिस ने डिटेन किया था, हालांकि अब छोड़ दिया है सभी कार्यकर्ताओं को। तो अभी भी राहुल गांधी घर के बाहर कांग्रेस के नेताओं की और जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ है। हालांकि राहुल गांधी भी कुछ देर पहले यहां से अपने घर से निकल गए हैं और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहाँ से चले गए हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस का कहना यह है कि बहुत जल्दी ही वो राहुल गांधी का बयान दर्ज करेगी। मुकेश, कांग्रेस की अपनी दलील है, उसका कहना है 45 दिन क्यों इंतजार किया, 30 जनवरी को उनका यह बयान था। दूसरा, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस हमलावर है। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस का कहना यह है कि अगर राहुल गांधी ने 30 जनवरी को बयान दिया था तो पुलिस ने पहले उनका बयान दर्ज क्यों नहीं किया, आखिर इतनी देर से पूछताछ के लिए क्यों आई, तो इस तरह के आरोप हैं। आप देखें कि जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं वो अब जा रहे हैं यहाँ से और इस तरह से लगातार तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ से अब जा रहे हैं। तो फिलहाल आप देखें कि राहुल गांधी भी अपने घर से कुछ देर पहले अपनी कार खुद ड्राइव करते हुए और मीडिया के सामने हाथ हिलाते हुए यहाँ से निकल गए। हालांकि वो कहाँ गए ये अभी साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे तक इंतजार किया और उसके बाद आखिरकार राहुल गांधी
दिल्ली पुलिस की टीम से मिले और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही वो अपनी बात रखेंगे, जो पूरा डेटा है इस तरह के महिलाओं का वो दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे, तो दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी ही उनका बयान दर्ज करेगी और उसके बाद जो फर्दर इसमें कोई एक्शन होगा तो लिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। जब राहुल गांधी का बयान रिकॉर्ड हो जाएगा तब वो केस दर्ज करके आगे की जाँच करेगी।